नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से समय समय पर कई तरह की बेहतरीन योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं योजनाओं में एक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, जिसके तहत देश भर के करीब 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से भारत के 1 करोड़ परिवारों को हर महीने करीब 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अगर आप भी सरकार की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं लेकिन आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो घबराएं नहीं, केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए एसबीआई लोन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। तो आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगने वाले घरों की छत पर सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए एसबीआई लोन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दी जा रही सोलर रूफ टॉप पर लोन की सुविधा पाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ही जरूरी है। जैसे कि 3 किलोवाट से ज्यादा और 10 किलोवाट तक की क्षमता के सोलर रूफ टॉप लगाने के लिए लाभार्थी की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रहे कि लाभार्थी को 3 किलोवाट क्षमता तक के सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए किसी भी तरह की इनकम क्राइटेरिया तय नहीं की गई है। यानी कि 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए एसबीआई बैंक से कोई भी लोन ले सकता है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट वाले सोलर रूफ टॉप के लिए एसबीआई बैंक से लाभार्थी करीब 2 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 7% तक सालाना ब्याज देना होगा। 10 किलोवाट वाले सोलर रूफ टॉप के लिए एसबीआई बैंक से लाभार्थी करीब 6 लाख रुपए तक का लोन पा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 10.15% सालाना ब्याज देना होगा। तो अगर आप भी पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने घर पर सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए लोन की सुविधा चाहते हैं लेकिन आपकी आयु अधिक है तो बता दें कि एसबीआई सूर्य घर योजना के तहत 65 वर्ष की आयु के लाभार्थी भी लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं ये लाभार्थी लोन की राशि को 70 वर्ष की आयु तक लाभार्थी चुका सकते हैं। बात करें एसबीआई सूर्य घर योजना लोन के लिए जरूरी कागजात की तो वो कुछ इस प्रकार से है। दरअसल अगर आप 3 किलोवाट वाले सोलर रूफ टॉप को लगवाते हैं तो इसके लिए आपको बिजली बिल और आधार कार्ड आवश्यक है। वहीं 10 किलोवाट वाले सोलर रूफ टॉप के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, आय से संबंधित कागजात आदि भी आवश्यक है। इसके अलावा स्वरोजगार आवेदकों के लिए पिछले 2 सालों का आयकर रिटर्न भी जरूरी है। एसबीआई सूर्य घर योजना लोन के लिए पात्रता की बात करें तो इस सुविधा का लाभ पाने के लिए आवेदकों को भारतीय नागरिक होना बेहद ही जरूरी है। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। आवेदक के परिवार के पास वैध बिजली कनेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा आवेदक को सौर पैनल से संबंधित किसी भी तरह की सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। अगर आप भी पीएम सूर्योदय योजना के तहत लगने वाले सोलर रूफ टॉप लगवाने के लिए बैंक से लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने निजी एसबीआई बैंक ब्रांच में जाकर संपर्क करना होगा ताकि आप सफलतापूर्वक एसबीआई लोन सूर्य घर योजना के लिए आवेदन कर सके। एसबीआई बैंक लोन की इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप एसबीआई बैंक के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना को भी चेक कर सकते हैं, जहां आपको लोन के लिए पंजीकरण और आवेदन के लिए लिंक भी सरलता से मिल जाएगी। अब पीएम सूर्योदय योजना में आवेदन कैसे करें इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो अगर आप भी सरकार की पीएम सूर्योदय योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार के द्वारा जारी की गई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां उन्हें सबसे पहले योजना के लिए अपना रजिस्टर करना होगा। योजना की सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आपको नेशनल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जहां पर आपको वेंडरों में से अपने वेंडर का चयन करना होगा। ये चयन रूफटॉप सोलर इंस्टॉल तय करेगा। इसके बाद डिस्कॉम के द्वारा नेट मीटरिंग भी होगी। फिर आपको अपने योजना से जुड़े सभी सर्टिफिकेट को पोर्टल पर अपलोड भी करना होगा और अगर आपके सभी सर्टिफिकेट और आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी सही हो तो योजना की सब्सिडी आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो ये थी पीएम सूर्य घर योजना से संबंधित सभी जानकारी। लेकिन अभी भी आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।